वेलकम बैक टू फ्यूचर बिल्ड एकेडमी। आज की हम अपनी इस वीडियो के अंदर C++ IT सीरीज की बुक का प्रोग्राम 5.11, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू इंटीजर्स, इट डिटरमाइंस एंड प्रिंट्स इफ द फर्स्ट इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ सेकंड इंटीजर। ये प्रोग्राम C++ IT सीरीज की बुक का 11 वाला प्रोग्राम है। हमें शुरू से ही हम लोग जो काम पर करते आए हैं कि हम पहले प्रोग्राम के स्टेटमेंट को समझते हैं, देन हम प्रोग्राम पे काम करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 5.11 से पहले 5.1, 5.2, 5.3 इवन के इवन ओड वाला प्रोग्राम भी हम लोगों ने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप अपनी इसी चैनल पर आपको उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपको हर आने वाली नई वीडियो मिले और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। इसे आप अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको कवर किया है। मार्केटिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, और इवन के बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान जो डिफरेंस है उसके 9 to 10 डिफरेंसेस हैं जो कि हम लोगों ने इस चैनल पर कवर किए हैं। रैम वर्सेस रोम क्या होती है वो भी हम लोगों ने इस चैनल पर कवर कर दिया। अगर आप उनमें से किसी भी वीडियो को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी और आप उनको इजिली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जो कि है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू इंटीजर्स, इट डिटरमाइंस एंड प्रिंट्स इफ द फर्स्ट इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ सेकंड इंटीजर। प्रोग्राम वैसे मुश्किल नहीं होता, लेकिन हम उसको मुश्किल कर देते हैं किस लिहाज से कि हम उसके पहले स्टेटमेंट को नहीं समझते। हम ये समझते ही नहीं है कि प्रोग्राम में हमें कहा क्या जा रहा है, हम डायरेक्ट उस प्रोग्राम पे काम करना शुरू कर देते हैं। जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा मेन गोल क्या है, हमें किस टाइप की लॉजिक चाहिए, हमें क्या यूज़ करना है इसके अंदर, जब तक हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होगा हम अपने प्रोग्राम पर काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब बाज दफ़ा बच्चे इस चीज़ का भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा हमने कितने इंटीजर्स जो हैं वो लेने हैं, कितने वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हैं। तो हम लोग उसको भी अपने प्रोग्राम के अंदर ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू इंटीजर्स। अब देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक प्रोग्राम लिखे जिसमें सिर्फ दो इंटीजर्स पास करवाने हैं, इसका मतलब दो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। पहले हमेशा प्रोग्राम के स्टेटमेंट को समझे। सबसे पहले जब भी मैंने प्रोग्राम करवाया मैंने स्टूडेंट्स को यही बोला है कि आप सबसे पहले इतनी स्टेटमेंट पे काम करें, देन आप अगली स्टेटमेंट की तरफ आएँ। अगली स्टेटमेंट हमेशा लॉजिक वाली स्टेटमेंट होती है और लॉजिक बनाना नो डाउट कि इज अ डिफिकल्ट टास्क, बट अगर आप उस पर काम करेंगे, उसको समझेंगे, आप ऐसा ऐसा उस पर उसको फॉलो करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप, तो आप बहुत जल्द आपने इतनी ग्रिप आ जाएगी कि आप वो प्रोग्राम पे काम करना खुद बहुत शुरू हो जाएंगे, आप खुद बहुत लॉजिक आपके माइंड में आना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास होता है कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी लॉजिक्स क्रिएट करनी है। ये सारा प्रोसेस जो है वो हम लोग जितनी प्रोग्रामिंग में हमारी ग्रिप अच्छी होती जाएगी तो हम उस पर हम उतना ही काम कर सकते हैं। हमारी एफर्ट उतनी जितनी एफर्ट होगी उतना ही आपको टारगेट मिलेगा, उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे। तो नो डाउट कि स्टार्ट में अगर आपको लॉजिक्स नहीं बनाना आती तो आप परेशान नहीं होना, बल्कि आप उसको करें और मज़ीद आप उस पर एफर्ट करें, मज़ीद प्रोग्राम्स करने की कोशिश करें, तो आपका बहुत जल्द आपको ये भी पार्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको लॉजिक बनाना नहीं आती। अब हम प्रोग्राम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हेडर फाइल इंक्लूड की है, हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ये हमारे पास एक हेडर फाइल है जो कि आयो स्ट्रीम है, मैथ डॉट एच एच है और एसटीडियो डॉट एच, बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं। उनमें से हमें जो डेव को सोर्ट करती है वो आयो स्ट्रीम है, ये कंपाइलर इसको समझता है तो हमने इसलिए यहाँ पे ये यूज़ की है। होप्सो बुक पे आयो स्ट्रीम डॉट एच भी हो, वो टर्बो के लिए है, टर्बो अगर आप यूज़ करते हैं तो उस पर हम लोग डॉट एच यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कंपाइलर जो है वो डेव का कंपाइलर वो आयो स्ट्रीम को ही अंडरस्टैंड करता है। उसके बाद हमने आगे नेक्स्ट लाइन जो है वो ये है कि यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। नेक्स्ट अब हमने इंट मेन जो भी काम करना है वो हम इंट मेन में करेंगे, इंट मेन में ही स्टेटमेंट सारी एग्जीक्यूट होगी। ये जो इंट मेन से बाहर हम काम कर रहे हैं ये हमारी हेडर फाइल्स हैं, ये हमारी नेम स्पेस हम जो यूज़ कर रहे हैं ये वो है, लेकिन जो काम हमने मेन काम जो होता है वो हमने इंट मेन के अंदर ही करना होता है। अब आप अपनी स्टेटमेंट की तरफ आए, स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट्स टू इंटीजर्स, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो कि दो इंटीजर्स लेता हो। अब हम इसमें क्या करेंगे, इंट ए और बी दो इंटीजर्स हमने पास करवानी है। अब वो कह रहे हैं कि दो इंटीजर्स में वो आपने इनपुट करवाने हैं कि आपने खुद नहीं इनिशियलाइज कर देने, आपने ये यूजर से लेने हैं। तो हम यहाँ पे काम परफॉर्म करते हैं कि हमने ये यूजर से लेने हैं।
यहाँ पे एंडल की वर्ड को देख के परेशान नहीं होना, ये वर्ड हमारे पास जो है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए होता है। अगर आप इसको नहीं भी यूज करेंगे तो इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम लोग नेक्स्ट लाइन पे मूव करें तो हमें एंडल वर्ड यूज करना है। इससे हमारा प्रोग्राम एफिशिएंट हो जाएगा, प्रोग्राम एक प्रोफेशनल वे में हमें जो है ना वो नजर आएगा। ये बहुत ही सूटेबल वे है कि हम इसको इस तरह से कर लें कि अगर हम एंडल यूज कर लें। आप स्लैश एन भी यूज करते होंगे, स्केप सीक्वेंसेस पे भी एक वीडियो आएगी जिसमें वो सारे स्केप सीक्वेंसेस को बताया जाएगा कि टैब के लिए हम स्लैश टी यूज करते हैं, न्यू लाइन के लिए हम स्लैश एन यूज करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो एंडल है हम ये न्यू लाइन के लिए ही यूज करते हैं, हम स्लैश एन भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। जब तक हम सीन नहीं करेंगे हमारा प्रोग्राम कभी भी यूजर से इनपुट नहीं लेगा। सी इन जो है वो इनपुट के लिए होती है और सी आउट आउटपुट के लिए होती है। तो सी आउट में हम लोग जो भी ये डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे वो तो स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट होगी, और हमने आगे सी इन ए किया है कि यूजर जो भी फर्स्ट नंबर एंटर करे वो कहाँ पर स्टोर हो वो ए के पास चला जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूजर को बोलेंगे कि एंटर एंटर सेकेंड नंबर। हमने अभी तक सिर्फ इतना काम परफॉर्म किया है कि राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट्स टू इंटीजर्स। सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन करवा के देख लेते हैं कि इसमें कोई एरर ठीक है, कोई एरर नहीं है। हमारा प्रोग्राम जो है वो सिंपली एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब देखें आप इसको, और एंटर फर्स्ट नंबर, सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, फर्स्ट नंबर एंटर कर देते हैं 8। अब ये 8 कहाँ पे जाएगा, ये 8 इस ये जो 8 है ये सी इन ए के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, ए के अंदर अब क्या पड़ा है, 8 पड़ा है। अब हम करते हैं, अब वो कह रहा है एंटर सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर एंटर करते हैं 2, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया है क्योंकि हमने प्रोग्राम को जितनी कैपेसिटी दी है, हमने प्रोग्राम को जितनी स्टेटमेंट्स दी हैं उतनी स्टेटमेंट को उसने अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया। ये प्रोग्राम करने का एक एफिशिएंट वे ये भी होता है कि आप प्रोग्राम के 3 से 4 लाइन्स लिखें उसको एग्जीक्यूट कर लें, फिर 3 से 4 लाइन्स लिखें उसको एग्जीक्यूट कर लें। इससे ये होगा कि जब आपका प्रोग्राम कोई बहुत बड़ा है और फिर उसमें जब एरर आ जाता है तो फिर आपको एरर डिटेक्ट करना इजीली हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो ऊपर वाले जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इनमें कोई एरर नहीं है, मैंने इनको रन करवा के देख लिया। तो ये जो है वो बहुत ही एफिशिएंट वे है प्रोग्राम करने का। ये तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, बट अगर आप कोई बड़ा प्रोग्राम करें डाटा स्ट्रक्चर का जिस तरह होता है कि उसमें टूल किट को हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आपको काम करना होगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी इतनी स्टेटमेंट के अंदर एरर है और इतनी स्टेटमेंट के अंदर आपकी एरर नहीं है। आगे अब हम यहाँ पे कंडीशन सेट करनी है। अभी हम आपको बता देते हैं कि कंडीशन जो है वो किस तरह से हम लोगों ने की है। अब यहाँ पे आपने देखा कि हम लोगों ने अभी जबकि ए के अंदर क्या पड़ा है, 8। ठीक है, और बी के अंदर हम लोगों ने क्या स्टोर करवाया था, बी के अंदर था 2। अब देखें ए के अंदर पड़ा है 8 और बी के अंदर रखवा दिया था 2। अब 8 और b का मॉडुलस लें और वो 0 आ जाए। अब देखिए मॉडुलस का काम भी डिवाइड करना है और डिवीजन ऑपरेटर का काम भी डिवाइड करना है। अब इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जो मॉडुलस जब हमें कोई भी डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो आपने देखना है कि डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो दो आंसर आते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर आता है एक रिमाइंडर का आंसर आता है।
अब जब भी हमें अपनी आउटपुट में रिमाइंडर चाहिए होगा, हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है, और जब भी हमें क्वेश्चन चाहिए तो हम वहां पे डिवियन ऑपरेटर को यूज करेंगे, वो हमें वहां पे क्वेश्चन का साइन जो है वो क्वेश्चन का आंसर देगा। अब देखें, 8 और 2 को हम डिवाइड करें तो ये 2 4 8 और पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा, 0। वो 0 और ये 0 इक्वल हो जाएंगे तो फिर ही ये कंडीशन चलेगी। अगर तो अगर मैं यहाँ पे 8 की जगह अगर हम लोग यहाँ पे 9 ले लें 1 की जगह, तो फिर 9 और 2 का जब मॉडुलस लेंगे तो वो 1 रिमाइंडर में क्या आएगा, 1। तो क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि इसके अंदर आप देखें ए के अंदर क्या हमने सपोज कर रहे हैं कि के अंदर हम 9 रखते हैं और हम उसका मॉडुलस लें 2 के साथ, तो फिर रिमाइंडर के अंदर क्या आएगा, रिमाइंडर के अंदर आ जाएगा 1। ठीक है, रिमाइंडर के अंदर आ गया 1। तो क्या ये 1 जो है वो इज इक्वल 0 के है, नहीं। तो फिर कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो कंडीशन के फॉल्स होने पर ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, फिर कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, फिर हम एल्स वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे जो कि हमारे पास होगी सी आउट ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 8 रखें, 8 मॉडुलस 2 0, तो 0 इज इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल 0, ये कंडीशन हो गई ट्रू, और सी आउट द फर्स्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर हम एल्स में रखें सी आउट द फर्स्ट नंबर, और अगर अदरवाइज ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तो फिर एल्स वाला प्लॉग एग्जीक्यूट होगा कि सी आउट द फर्स्ट नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ द सेकेंड नंबर। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हम डिफरेंट कंडीशंस लगाकर चेक कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट नंबर इज 8, सेकंड नंबर इज 2, एंड द रिजल्ट इज द फर्स्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर। अब हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। फर्स्ट नंबर इज 9, सेकेंड नंबर इज 2, द फर्स्ट नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ सेकेंड नंबर, जैसा कि हम लोगों ने अपनी कंडीशन को चेक किया था। अब हम इसमें मजीद चेंजिंग करते हैं। फर्स्ट नंबर इज 2 एंड द सेकेंड नंबर इज 5, द फर्स्ट नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ सेकेंड नंबर। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अभी भी अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत हेल्पफुल चैनल होगा आप सबके लिए। इसके अंदर बहुत सारे BS कंप्यूटर साइंस के बच्चे जो हैं वो इसको ग्रैब कर सकते हैं, BS IT वाले बच्चे इसको ग्रैब कर सकते हैं, बैंकिंग के बच्चे इसको ग्रैब कर सकते हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चैनल को बहुत ईजिली ग्रैब कर सकते हैं। क्योंकि ये चैनल ना सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है, बल्कि बहुत सारे जो मार्केटिंग बैंक से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।